नमस्कार दोस्तों, खुराना डेयरी फार्म पे आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है ये डॉक्टर साहब के फार्म पे देख सकते हैं, अच्छे से अच्छा पशुधन आपको यहाँ मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा पशुधन रखते हैं, कुछ भाई भी आए, मैं उनसे भी मिलाते हैं। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच सके और अच्छा पशुधन जायज रेट पर आप खरीद सकें। अच्छा पशुधन ही मिलेगा आपको इनके पास, किस समय भी आप आ सकते हैं, अच्छे दूध की झोटियाँ ले सकते हैं। और ज़्यादा झोटी मिलेंगी, ये नहीं है कि भैंसे मिलेंगी, झोटी मिलेंगी दूसरी बार की या पहली बार की। आगे की जानकारी है वो लेते हैं इन्हीं से। नमस्कार जी, पहले तो आप कौन सी जगह से आए हो? जी मैं फर्रुखाबाद से आया हूँ, यूपी में। फर्रुखाबाद से मथुरा से पड़ता है 150 किलोमीटर। मथुरा से 150 किलोमीटर आगे पड़ता है एटा मैनपुरी, वहाँ फर्रुखाबाद लगता है। ठीक है जी, आप डॉक्टर साहब के पास कब आए हो? हम 2-3 दिन हो गए यहाँ पर आए हुए। 2-3 दिन हो गए। कितने पशुधन लिए आपने? हमने 2 लिए हैं। कितने टाइम दूध दा देखा, क्या किया सब, कैसा? 2 बार टाइम दूध देखा, कल इनके साथ हम वहाँ भी गए, इन्होंने फील्ड में भी घुमाया। फील्ड में इन्होंने जैसे पशुधन लिया उसके साथ गए इनके? उसके साथ ही रहे, हमने भी खरीदवाया क्योंकि हम यहाँ मतलब 2-3 दिन से आए हुए थे। हमने टाइम निकाल के इनके पास मतलब हर तरीके से देखा, इनको जांचा परखा, हर तरीके से इनको जांचा परखा। आप रिटायर फौजी हो? जी रिटायर हूँ मैं। हाँ जी, मेरी अभी इनसे जॉब कर रहा हूँ, अभी गोवा में जॉब कर रहे हो। ठीक है जी, और बार जैसे इन्होंने फील्ड में घुमाया, कितना के ये प्रॉफिट रखते हैं आप देखा? वही 4,000 रुपए 3,000 रुपए अपना रखते हैं, उसमें खर्चा भी आता। कल हमने इनका सब देख लिया, घर का खर्चा, खाने का खर्चा, फील्ड का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, सब कुछ लगा के ये 2,000 रुपए रखते हैं। 2-3 हजार रुपए भैंस पे रखते हैं। बस। आपने जैसे देखा इन्होंने कल कितने कितने मिली और आगे सेल कर दिया आपके सामने, आप जैसे मेरे को बता रहे थे अभी। कितने का मैं ले रहे? इन्होंने एक तो 53,000 की खरीदी थी। हाँ जी, और एक मतलब उसमें इतनी 75 की ली। हाँ, तो दोनों में ज्यादा ज्यादा हम लोगों को वो नहीं देता जिससे खरीदी, वो बहुत ही रेट मांग रहा था। कितने का रेट मांग रहा था वो? तो एक तो 90,000 मांग रहा था, 53 की खरीदी वो 75,000 मांग रहा था। और इन्होंने कितने के पैसे प्रॉफिट लेके आपके सामने आके सेल कर? 3,000 रुपए इन्होंने लिए होंगे उस पे, वो और आके साथ के साथ सेल कर दी। साथ ही साथ सेल कर। आपने जैसे बताया अभी मेरे को, बस कोई दिक्कत तो नहीं? जैसे कोई दिक्कत नहीं। और फोन कॉल्स जैसे आप गाड़ी में बैठे थे पूरे दिन, कितने फोन कॉल्स आ रहे थे? अरे भाई, इनके पास तमाम फोन कॉल्स आ रहे थे, पैसे भी लोगों ने डाल दिए, बेचने के बाद लोग डाल देते हैं तो ये लोग तुरंत वापस करते, भैया क्यों डाल दिए? अब लोग डाल देते तो ये उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक, आप कहाँ से आए? सहारनपुर से। आपने एक पशुधन लिया? एक पशुधन लिया। कितने का? 80,000। कैसा है इनके पास पशुधन? कैसे? बढ़िया पशु है। अब आगे डॉक्टर साहब आज यहाँ का एड्रेस कवर करवा दो। पहले तो मैं सुबह सुबह गुड मॉर्निंग व्यूअर्सों को राम राम कर देता हूँ। और छोटी सी मेरी एक रिक्वेस्ट है, कोई भाई बार बार फोन पे एड्रेस पता ना पूछे, वीडियो के माध्यम से एड्रेस पता बता देते हैं। पुराना जी कॉल आती है दिन में कम से कम, मैं कहता हूँ 1500 फोन से ऊपर डेली अटेंड करने पड़ते हैं, 1500-2000। हर को बार बार वीडियो में बताएंगे भी जी कहाँ से बोल रहे हैं, तो भैंस के बारे में डिटेल नहीं दे पाएंगे। तो मैं व्यूअर्सों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई साहब मैं डॉक्टर विष्णु बादू हूँ, यूट्यूब पे 4-5 महीनों से काम कर रहा हूँ, हर भाई कम से कम 60-70 हजार बंदे मेरी वीडियो देख चुके हैं, हो सकते हैं लाख से ज्यादा देख चुके हैं, सबके पास नंबर है। तो व्यूअर्सों को एड्रेस कवर करा देता हूँ, राजस्थान श्री गंगानगर जिला पदमपुर शहर में SBI बैंक रोड छोटा गऊशाला भी है अपने डेयरी के पास। कोई भाई आने वाला है तो इतना ही पूछ ले बस स्टैंड पे उतर के, वहाँ ऑटो वाले खड़े होते हैं, मेरा बोला होता है उनको भाई गऊशाला के पास डेयरी है, वहाँ पे जाना है, डॉक्टर विष्णु बादू की डेयरी है जी। तो सभी व्यूअर्सों को बता देता हूँ, मैं राजस्थान से पदमपुर शहर से गंगानगर से 40 किलोमीटर आगे। तो अच्छे से अच्छा पशुधन लेना हो तो भाई किसी टाइम पे मेरे पास कॉल कर ले, और मेरे नंबर सेव किए होते हैं किसान के घर से लेता हूँ, तो एक स्टेटस भी लगाता हूँ, अगर कोई स्टेटस के जरिए भैंस देखना चाहे तो मेरा रोज का स्टेटस चेक कर ले, वीडियो पे स्टेटस लगा होता है जी जरूर हर भैंस का। ठीक है जी, ठीक है जी। अब आज की वीडियो में कितना? आज की वीडियो में मेरी भैंसे बहुत ज्यादा बिक रही है, कस्टमर आके ले जाते हैं, कई सीधे ही फोन में पैसे डाल देते हैं, सोते होते रहते हैं। आज एक भैंस सिलेक्टेड दिखा रहा हूँ जी। कितना दूध है जी? दूध इसके नीचे भी 17 और 18 लीटर के बीच में प्रेजेंट दूध है जी, दूसरे ब्यांत की है और आज 15 दिनों की ब्याई होगी, पीछे कटड़ा है जी इसके। और कोई बढ़ाएगी क्या? नहीं, मेला मुड़ा अभी चला है जी, मेरे हिसाब से अभी तक प्लस करेगी जी दूध। बाकी दूध होता है अपनी जेब में, सेवा जितनी करेंगे बढ़िया, अपने देखते हैं बंटा देते हैं जी बढ़िया,
लेकिन लड़के केयर अच्छी करते हैं, बार बार पानी पिलाना, थोड़ी केयर बढ़िया कर देते हैं जी पशु को। ठीक है, बंटा एक टाइम ही देते हो? बंटा एक टाइम, एक बजे झूठ मारने वाली बात नहीं है। वैसे नहीं आती है भाई साहब, दो बार बंटा डालने पे खाती भी नहीं है। अच्छा, एक टाइम एक टाइम देते हैं, लेकिन बंटा बढ़िया प्रोटीन जैसे चनों की दाल हो गई, खल हो गई, बिनोड़ों की, ये चीज ज्यादा देते हैं जी। चोकर छिलका हो गया, ये चीज ज्यादा देते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, और कणक का दलिया हो गया। ठीक है, अब कणक और ये 3000 के ही तो उससे शंका मानते हैं, लेकिन अपने तो फिर भी देते हैं जी। ठीक है बेटा, दूध डालना पवन। देख सकते हैं जोटी बहुत ही अच्छी है। आगे की ये जानकारी डॉक्टर साहब से ले रहे हैं। कौन सी बार की है डॉक्टर साहब? ये दूसरी बार की है जी, सेकंड लैक्टेशन में है। पीछे कटड़ा है जी, इसके पीछे कटड़ा है। दूसरी बार की जोटी है, देख सकते हैं अडर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है जोटी की। पूरी अडर देखने वाला है जोटी का, फिट बाय फिट पे थन लगे हैं, बहुत ही अच्छी जोटी है। अभी मौके पे कितना दूध है जी? 17-18 किलो दूध तैयार है जी इसके नीचे। 17-18 लीटर दूध है जो तैयारी का बता रहे हैं। बहुत ही अच्छी जोटी है और ऊंचाई की देख सकते हैं बहुत ही है जोटी की, रिंग सींग की है बिल्कुल ही। पीछे कटड़ा है जी? हाँ जी, पीछे कटड़ा है जी, पीछे कटड़ा है इसके। अटर बहुत ही खुला है जोटी का, और जो दाम है वो बता दो वाजिब साहब जी। 1,15,000 रुपए में, कोई वायरिंग वाली बात नहीं होगी, सेल करने वाले दाम है जी। 1,15,000 रुपए में ये जोटी है जो आपके घर पहुंच हो जाएगी। 17-18 लीटर दूध निकाल के देंगे अभी। बिल्कुल छोटे सींग की है, अच्छी जोटी है, क्वालिटी वाला ही पशुधन लाते हैं। 17-18 लीटर दूध है, निकाल के देंगे आपको अभी। बाकी सभी भाइयों का वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब भाइयों को राम राम।